अस्सलाम गाइस, आज की हमारी वीडियो है आईकॉम पार्ट वन मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में। बिजनेस मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर है जिसमें कहा जाता है रिड्यूस या फाइंड द रेशो। एक रैंडमली एग्जांपल है 45, 27 एंड 9। ये तीनों वैल्यूज़ को आपने एक ही टेबल पे डिवाइड करना है, जैसा कि 9 डिवाइड हो रहा है 3 पे, 3 3 9, 27 डिवाइड हो रहा है 3 पे, 3 9 27, और 45 भी डिवाइड हो रहा है 3 पे 15। अगर यहाँ तक डिवाइड हो जाए तो ठीक, अगर आपने देखना है कि ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है किसी टेबल पे तो उसको मज़ीद डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह एक और टॉपिक है इसी एक्सरसाइज का, फाइंड एक्स। ये एक वैल्यू है एक्स रेशियो 21 प्रोपोर्शन 49 रेशियो 7। जो वैल्यू बाहर हैं एक्स एंड 7, इनको एक्सट्रीम कहा जाएगा, और जो वैल्यूज़ इनके अंदर हैं मिडल में हैं इनको मीन्स कहा जाएगा। तो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्स को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ और 21 को मल्टीप्लाई करना है 49 के साथ। अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसके साथ कट कर जाएंगे, 7 1 7 7 3 29 21। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 49 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा 147। इसी तरह की एक और कंडीशन है जिसमें कहा जाता है फाइंड एक्स। हमें वैल्यू दी होती है ओवर में, एक्स ओवर 21 इज इक्वल टू 49 ओवर 7। 21 डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे, 21 इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 1 7 7 7 3 21, 3 को 49 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 147। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिहाज से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर दी हुई दोनों वैल्यूज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर दी हुई दोनों वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसे सादा अल्फाज में इस तरह पढ़ा जाएगा, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़े, अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो उसी रिलेशन में। दोबारा रिपीट करूँगा आपके लिए, अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो या बढ़ जाए उससे दूसरी वैल्यू भी बढ़े, अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो तो उससे दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाए यानी कि कम हो जाए। तो इन दोनों सूरतों में एक्स का एरो ऊपर करना है और दूसरी वैल्यू का भी एरो ऊपर करना है। ये दोनों सूरतें डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएंगी। एक रैंडमली एग्जांपल है डिस्टेंस एंड लीटर। डिस्टेंस किलोमीटर में है, सपोज करें एक गाड़ी 11 लीटर में 121 किलोमीटर का फासला तय करती है, 20 लीटर में वो कितना फासला तय करेगी? तो आइए एग्जांपल को, इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है। 11 लीटर में 121 किलोमीटर का फासला तय करती है गाड़ी, 20 लीटर में वो गाड़ी कितना फासला तय करेगी? यहाँ से ये वैल्यू बढ़ गई, 11 से हो गई 20। अब जहरी बात है कि उस गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल है तो वो फासला भी ज़्यादा तय करेगी, तो ये भी वैल्यू बढ़ गई। अब एक वैल्यू बढ़ने से ये वैल्यू भी बढ़ गई है, तो दोनों वैल्यू बढ़ गई है एरो ऊपर को, तो इसलिए इस वैल्यू का भी एरो ऊपर कर दिया, इस वैल्यू का भी एरो ऊपर कर दिया। एरो ऊपर करने का मतलब ये है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जो आंसर आएगा 11, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 220। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, इसी रिलेशन में अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस प्रोपोर्शन को इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसमें एक्स का एरो ओपन करना है, ऊपर को करना है, और दूसरी का एरो वैल्यू का नीचे पुट डाउन कर देना है। एक एग्जाम्पल है मैन एंड डेज। सपोज 6 आदमी एक काम को 8 दिनों में अंजाम देते हैं, 2 आदमी वो काम कितने दिनों में करेंगे? 6 आदमी काम को 8 दिनों में करते हैं तो 2 आदमी वो काम को कितने दिनों में करेंगे? 6 आदमी को काम करने के लिए 8 दिन लगते हैं, 2 आदमी को काम करने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे। यहाँ पे ये देखें
कि पहले 6 आदमी थे वो कम हो गए, कितने हो गए, दो। अगर दो आदमी काम करेंगे तो डेज ज़्यादा हो जाएंगे। अब एक वैल्यू कम हो रही है, एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है, एक्स का एरो ऊपर को, दूसरी का एरो नीचे को। तो एक्स का एरो ये वाला है, इसको ऊपर कर दिया, दूसरी का एरो नीचे है, इसको ये वैल्यू कम हो रही है तो इसका एरो नीचे कर दिया। अब 6/2, ये एरो नीचे को है, इसको ऐसे ही लिखा गया, इसका एरो ऊपर को है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इस वैल्यू को इस तरह मल्टीप्लाई करके इस तरह डिवाइड किया गया तो आपका आंसर आ जाएगा 20।